तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट पार्ट में। तो हमारा कुछ पार्ट रह रहा था तो उसे भी हम आज कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो अबंडेंट दो तीनों का मतलब एक ही चीज है, मतलब कोई भी ज्यादा क्वांटिटी में होना। तो ज्यादा क्वांटिटी का आप लिखोगे लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। तो हमारा अबंडेंट क्या एडजेक्टिव है, मतलब अबंडेंट फ्रूट्स है, ठीक है। एज अ ये एडजेक्टिव हो गया, आपका नाउन हो गया, रूल। ये आपका अबंडेंस ऑफ मिनरल्स लिख सकते हो, जैसे अबंडेंस ऑफ मिनरल्स, ठीक है। ये अबंडेंटली मतलब कोई भी चीजें जो मिनरल्स फाउंड करी जा रही है अबंडेंटली। मान लो जैसे आपने कोई भी चीज ले रहे हो, कॉपर मिल रहा है हमें झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, कॉपर इज फाउंड इन, कॉपर इज फाउंड तो इन छत्तीसगढ़, ठीक है। तो यही सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। तो हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अब्यूज। तो अब्यूज मतलब बेसिकली आप किसी को मिसयूज कर रहे हो, किसी को हार्म कर रहे हो, अब्यूज किसी का शोषण भी कर रहे हो आप। तो अब्यूज मतलब होता है मिसयूज, और किसी का शोषण कर रहे हो, किसी को हार्म कर रहे हो, और इसे हम गाली की भी कहते हैं, मतलब रॉन्ग वर्ड्स कह सकते हैं जो यूज करी जाती है गलत। तो एब्यूजिव एज एडजेक्टिव काम करेगा, मतलब उस बंदे ने क्या करा, मुझे एब्यूजिव वर्ड्स बोले, एब्यूजिव वर्ड्स, ठीक है। तो एब्यूजिव खुद को ही बता रहे हैं कि गाली दी उसने। एडवाइजल क्या होता है, बेसिकली आपका होता है कोई भी चीज लो स्टैंडर्ड या एक्सट्रीमली बैड, एक्सट्रीमली बैड और लो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, ठीक है। ये आपका क्या होता है, बॉटम बेसिकली। इसके बाद कोई भी बॉटम नहीं होगा, ठीक है। एकेडमी में बेसिकली आप क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, लर्निंग, टीचिंग, टीचिंग के बाद आप कर रहे हो रिसर्च कर रहे हो। तो बेसिकली सारी चीजें कहाँ करोगे, ये सारी चीजें आप यूनिवर्सिटी में करोगे, स्कूल में करोगे, ठीक है। एकेडमिक क्या होता है बेसिकली, अगर एडजेक्टिव फॉर्म में इसको, तो एकेडमिक ईयर कौन सा है आपका, एकेडमिक बुक खरीद लिए कि नहीं आपने खरीदी। एकेडमी आपका बेसिकली स्कूल और यूनिवर्सिटी को शो करता है, और यूनिवर्सिटी ठीक है। इतना आप सभी को क्लियर हुआ, फिर हम चलते हैं एसिड। एसिड मतलब आप किसी चीज को एग्री कर रहे हो, टू एग्री, और किस चीज के साथ, टू अ रिक्वेस्ट, किसी रिक्वेस्ट के साथ करिए, प्रपोजल, ठीक है। एसिलरेट किसी भी कंडीशन को बढ़ाना, तेज करना, समथिंग हैपन फास्टर, समथिंग हैपन फास्टर, और अर्लियर जल्दी हो जाए, किससे, देन एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो एसिलेशन नाउन बना दिया हमने, आयोन, ये तो सबको पता है, देखो आयोन आ गया तो नाउन बन गया एसिलेशन। एसिलेटर क्या, वो मशीन जो एसिलेट करती है, मशीन या कोई पॉइंट हो गया, जैसे गियर लगा रहे हो, क्लच बढ़ा रहे हो, तो एसिलेट कर रहे हो ना आप चीजों को, तो इंस्ट्रूमेंट बेसिकली ये हो गया इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एसिलोमीटर जो बेसिकली आपका काउंट करे, क्या एसिलेशन काउंट करे,
टू काउंट स्ट्रीट। अभी एसेंट क्या होता है, बेसिकली आप कोई भी वर्ड्स प्रोनाउंस करते हो, द वर्ड्स दैट प्रोनाउंस प्रोनाउंस विच रिफ्लेक्ट योर कल्चर कंट्री कल्चर कंट्री एरिया ईटीसी। ठीक है, एसिटुएट, एसिटुएट का मतलब क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को एम्फेसाइज कर रहे हो, नोटिस बना रहे हो उस चीज को, टू एम्फेसाइज एम्फेसाइज और मेक इट नोटिसेबल। ठीक है, एक्सेप्ट क्या कर रहे हो आप, बेसिकली किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप यस कर रहे हो, टू एक्सेप्ट यस कर रहे हो, टू एक्सेप्ट इनविटेशन इनविटेशन। ठीक है, एक्सेप्टेबल मतलब जो मेनली पूरा सभी लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एग्री एग्री बाय ऑल। सरकार ने कहा कि जो ये 10 रुपए का सिक्का है उसको सभी चलाएंगे, तो एग्रीबल है, मार्केट में चलेगा, एग्रीबल कॉइन है, एक्सेप्टेबल कॉइन है, तो मार्केट में चलना चाहिए, अगर किसी ने मना करा तो उसके ऊपर केस होगा। ये सारी चीजें हैं, आज के लिए इतना दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे आगे बढ़ेंगे।